आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताइवान में रविवार देर रात आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। इसमें कई लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। भूकंप में कई इमारतें और मकान धराशायी हो गए हैं, जबकि झटकों के चलते 5 इमारतें आधी झुक गई हैं। इनमें फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। भूकंप के चलते हुआलियन शहर के मार्शल होटल की 10 मंजिला बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते बाकी की फ्लोर टेढ़ी होकर हवा में लटकी हैं। इस बिल्डिंग में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हुआलियन मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए इनमें कई टूरिस्ट के होने की भी संभावना है। नेशनल फायर एजेंसी के मुताबिक भूकंप के चलते सड़कें टूट गई हैं और इलेक्ट्रिसिटी गायब है। हजारों मकानों में पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। वहीं हुआलियन शांगशियाओ रोड कम्युनिटी अपार्टमेंट में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसकी पहली और दूसरी फ्लोर गिर गई हैं और अपार्टमेंट की बिल्डिंग 45 डिग्री तक झुक गई है।